मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर में मेन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फिर फैक्टर्स, फाइंड ऑल द फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको यू वाली मेथड सिखाई है और उसके भी रूल्स बताए थे कि जब आप ऑल द फैक्टर्स फाइंड करते हो तो आपका फर्स्ट फैक्टर होता है 1 और लास्ट फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ, और बीच में जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो सारे कौन से होते हैं कि जो नंबर के टेबल में गिवन नंबर आया हुआ होता है, और सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए होने चाहिए। आज हम डिविजिबिलिटी कीज का टॉपिक करेंगे। जब मैंने वर्कशीट में आपको ये टॉपिक के सम्स दिए थे तब 3-4 स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक्स की थी। उन्होंने डिवीजन करके यस नो लिखा था, पर हमें बड़ा बड़ा डिवीजन नहीं करना है, हमें वो की याद रखनी है और वो की नंबर पर अप्लाई करके शॉर्ट मेथड से पता चल जाता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो आज हम की स्टार्ट करेंगे, तो आप अच्छे से कीज लर्न करते जाओगे, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना होता है तब आपको कीज बहुत हेल्पफुल रहती है। ओके, तो सबसे पहले हम की करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। सबसे पहली की है 2 की, ये आपको 6 स्टैंडर्ड में भी मैंने करवाई थी। 6 स्टैंडर्ड में आपको 2, 3, 5 और 10 की कीज करवाई थी। अभी इसके अलावा और बहुत सारी कीज आएगी, तो आप नोटबुक में अच्छे से लिखते जाओगे ताकि सारी कीज आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, डिविजिबिलिटी कीज नंबर 1 है डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हमें दिया है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, उसकी ये कंडीशन है कि मतलब कंडीशन। नंबर इज डिवाइड बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 2, 4, 6, 8 और 0 इन इट्स यूनिक, मतलब कि वंस, मतलब लास्ट डिजिट प्लेस। ओके, एग्जांपल मैं आपको दूँ, 128, 140, 150, 180, 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
लास्ट डिजिट में अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, अब हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट ही देखना है, 8 है तो यस, 5 है तो नो, हमारी कंडीशन है इतने यूनिट डिजिट इसमें से कोई भी यूनिट डिजिट हो तो ही वो नंबर से डिविजिबल होता है, अदरवाइज हम रॉन्ग लिखते हैं। यहाँ है यूनिट डिजिट 0 तो यस, 1 है तो रॉन्ग, 2 है तो यस, और 6 है तो रॉन्ग। ओके, तो अभी आप नोटबुक में भी लिख लोगे, एग्जांपल्स में लिख लोगे, फिर से एक बार स्टडी कर लो। डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0,
वाले देखो, जहाँ भी यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 में से है वहाँ हमने रेड का मार्क किया है, और यहाँ है 6 है। जैसे यहाँ 5 है डिविजिबल नहीं है, 4 है डिविजिबल नहीं है, तो वहाँ हमने रॉन्ग कर दिया। ओके, तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब नेक्स्ट जो हमारी है 3 वाली, नंबर 2 डालेंगे। सेकंड की है डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम, सम मतलब प्लस, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो 3 के टेबल में आता हुआ होना चाहिए, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपको दे रही हूं। कर देंगे 120।
नंबर्स टू थ्री, तो थ्री थ्री का मल्टीपल है यस, थ्री वन जा थ्री, तो 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ओके, तो हमने थ्री की लिखी और उसके एग्जाम्पल लिखे। अब हम नेक्स्ट की लिखेंगे थर्ड नंबर, फिर उसके रिलेटेड सम्स करें। डिविजिबिलिटी बाय फोर, यहाँ पर हमने 4 की लिखी, डिविजिबिलिटी की बाय 4। ओके, तो इसमें हमें क्या कहा था, नंबर विद 3 और मोर डिजिट, मतलब सम 100 या 1000 वाला होना चाहिए, या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर के लास्ट कौन से होते हैं, 1 and 10, वो दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अभी हम एग्जांपल सीखेंगे। यहाँ पर है 14, तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता,
वो 314 भी फोर्थ के टेबल में नहीं आता। और ये टू, ये चार डिजिट का नंबर है, तो 12 लास्ट टू डिजिट के नीचे अंडरलाइन की, तो 12 फोर्थ के टेबल में आता है। यस, 4 3 12, तो यहाँ मैंने टिक लगाया कि ये पूरा नंबर फोर्थ के टेबल में आता है। 16 फोर के टेबल में आता है, 4 4 16, तो ठीक। 11 फोर के टेबल में नहीं आता है, तो रॉन्ग। 33 नहीं आता और 11 भी नहीं आता। ओके, तो फोर की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट टू डिजिट देखने हैं कि अगर लास्ट टू डिजिट फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 डिजिट या 4 डिजिट दिया है वो 4 से डिविजिबल होगा। ओके, हम नेक्स्ट की लिखेंगे, 4 नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 5 वाला। डिविजिबल बाय 5, अब हम लिख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, वी हैव टू सी ओनली लास्ट डिजिट फाइंडिंग के लिए। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज 0 और 5, then the given number is divisible by 5. So unit digit मतलब we have to see only last digit, तो मैंने सबके नीचे कर दी underline। okay, अब अगर unit digit 0 या 5 है तो हम write करेंगे, otherwise wrong करेंगे। okay, write मतलब कि जहाँ पर राइट किया है वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और जहाँ पर रॉन्ग किया है वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 0 या 5 है, जैसे यहाँ 0 5 0 0, ओके, तो वो पूरा नंबर जहाँ पर राइट की सिंबल किया है वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और जहाँ पर रॉन्ग किया है वो 5 से डिविजिबल नहीं होता। हमें 5 की में यूनिट डिजिट देखने हैं। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट की लिखेंगे 5 नंबर। नोटबुक में भी लिखते जाओगे ताकि अच्छे से लर्न होता जाए। डिविजिबिलिटी बाय 6,
पॉइंट नंबर 3, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, ये एक ही ऐसी की है जिसमें आपको दो दो कीज यूज करके आंसर देना है, 6, 2, 3, 4, 6, ओके। तो हमें जो भी नंबर दिया है उसमें हमें 2 की भी अप्लाई करनी है, 3 की भी अप्लाई करनी है, और वो दोनों से डिविजिबल है तो ही हम लिख सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, या 2 से नहीं है, 3 से है, तो भी वो डिविजिबल नहीं। 2 और 3 दोनों से अगर दिया हुआ नंबर डिविजिबल है तो ही हम कह सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6। फाइव नंबर डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अभी हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एक से डिविजिबल नहीं है, 2 या 3 से, तो वो 6 से
ये दोनों सब में आप देखोगे टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है, तो ये सिक्स से भी डिविजिबल है। अब हम यहाँ करेंगे फोर फाइव एंड सिक्स, यहाँ यूनिट डिजिट फाइव है तो टू से डिविजिबल नहीं होगा। थ्री के लिए सेवन प्लस फोर प्लस फाइव कितने होते हैं सिक्सटीन, तो थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो सिक्स से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये तो टू थ्री दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये सिक्स से भी डिविजिबल नहीं। अब टू के लिए फाइव नंबर में यूनिट डिजिट है वन, तो वो टू से डिविजिबल नहीं है। नाइन प्लस प्लस वन ट्वेल्व, थ्री से डिविजिबल है पर टू से तो नहीं है ना, दोनों से डिविजिबल हो तो ही हम टिक लगा सकते हैं, तो यहाँ आएगा रॉन्ग, नहीं है सिक्स से डिविजिबल। यूनिट डिजिट है फाइव, तो टू से डिविजिबल नहीं है। फाइव प्लस फाइव फिफ्टीन, थ्री से डिविजिबल है पर टू से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा रॉन्ग। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम डिविजिबिलिटी कीज़ का टॉपिक आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।